સેલ્વસમાં પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ પર લદાયેલી પાબંદીના પગલે વેપારીઓએ બંધ પાડી વિરોધ દાખવ્યો હતો અને રેલી કાઢી દાદરા નગર હવેલી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ધંધા રોજગારમાં ઉત્પન્ન થતી સમસ્યાઓના નિકાલ અર્થે રજૂઆત કરી હતી. આ તકે વેપારીઓ સેશનના મહેન્દ્ર કટારિયા, મહેશ ભાનુશાલી સહિતના અન્ય અગ્રણીઓ અને વેપારીઓ હાજર રહ્યા હતા. सबने मिलकर डिसीजन लिया था कि समग्र भारत व्यापारी सब अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, क्योंकि फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट 100% FDI आने से छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन के हिसाब से बहुत नुकसान हो रहा है और एक ही भाव में कंपनी माल नहीं देती है. उनका भाव ज़्यादा होता है माल का, तो उनको ज़्यादा सस्ता मिलता है और छोटे व्यापारी उस कारण दब जाते हैं. व्यापार में बहुत फर्क पड़ रहा है, इसलिए आज बंद का ऐलान किया गया और शांतिपूर्वक मौन रैली निकाल के हम यहाँ पर वापस पहुँचे. किलोई नगर पर सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया है और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है. कल यहाँ के MP और XMP को भी ज्ञापन दिया गया है. तो सभी से गुजारिश है कि इस बंद में सहयोग करें व्यापारी को. मिनिस्टर सरकार तक बात पहुँचाए हमारी व्यापारी की कि FDI 100% कैंसिल करें, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का एग्रीमेंट कैंसिल करें और जो ऑनलाइन होता है और दूसरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो व्यापारी छोटे व्यापारी को चार्ज लगता है वो चार्ज खत्म किया जाए. दूसरा कि 51% माइक्रोन प्लास्टिक के अंदर उसकी इजाज़त दी जाए. पूरे देश के अंदर इजाज़त है, नगर निगम में अभी तक उसका रेगुलेशन डीट नहीं आया है. तो वेरिफिकेशन करके यहाँ के व्यापारी को प्लास्टिक के कारण बहुत तंग किया जा रहा है.